हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं सुरभि इंडियन गर्ल इन यूरोप और मैं जर्मनी के बारे में और यूरोप के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें हम हमारी जो डेली लाइफ है वो कवर करते हैं सुरभि एंड दीपक ब्लॉग्स में अब जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइज जैसा कि टाइटल देख के आपको पता चल गया है हाँ आप लोगों ने काफी बार मुझे कमेंट किया है कि जर्मनी आने का खर्चा कितना होता है तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं ओवरऑल कितना खर्चा होता है अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं एज ए जॉब के लिए आ रहे हैं या आप एज ए स्पाउस यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं या आपके चिल्ड्रंस भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं तो वो सारी चीजें जो है वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगी वीडियो लास्ट तक देखना तो आपको एक फिगर पता चल जाएगा कि इतना जो फिगर है वो होना चाहिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो यार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग तो एक लाइक तो बनता है अब चलो चलते हैं सबसे पहले मैंने डिवाइड किया है कि अगर आप जर्मनी आओगे तो जर्मनी आप किस रीज़न्स से आओगे जर्मनी आने के रीजंस जो होते हैं वो कुछ ही होंगे सबसे पहले या तो आपको इंडिया से बैठे हुए जॉब मिल गई तो आप एज ए जॉब के लिए यहाँ पर आओगे और एज ए सिंगल हो तो सिंगल एंड जॉब एक कैटेगरी हो गई दूसरी ये हो गई कि आप मैरिड हो और जॉब आपको वहाँ से मिल गई तो आप आ रहे हो तो आपके साथ स्पाउस का भी खर्चा हो जाएगा थर्ड इज आप मैरिड हो स्पाउस है प्लस आपके चिल्ड्रन है तो ये भी जो है वो थर्ड कैटेगरी आ गई और फोर्थ कैटेगरी एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पर आओगे तो ये जो चार कैटेगरी है वो मैं आज कवर स्टूडेंट को फॉर टाइम बीइंग जो है वो मैं हटा रही हूं। क्योंकि स्टूडेंट के लिए और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है आपको एक अमाउंट ब्लॉक करना होता है वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम आप स्टे करने वाले हो जर्मनी में तो अभी के लिए उसे हटाती हूँ पर अगर मुझे ज्यादा आप लोग कमेंट करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी स्टूडेंट के साथ वो वीडियो जरूर कवर करूंगी तो सबसे पहले करते हैं सिंगल तो आप सिंगल एज ए जॉब के लिए यहां पर आ रहे हैं तो आपका कितना खर्चा होगा तो सबसे पहले मैंने इसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है तो सबसे पहला होता है वीजा तो आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है ख़ुद से अगर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है जर्मनी से तो भी उस वीज़ा का जो कॉस्ट होता है वो आठ हज़ार होता है मतलब अप्रोक एक्रो, एक्रो, अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है वो डिपेंड करता है कि यहाँ के रेट्स जो हैं वो कितने चल रहे हैं पर आठ हज़ार रुपये आप मान लो कि अप्रोक्सीमेटली वीज़ा का जो होता है वो कॉस्ट होता है जो इनिशियली आपको देना पड़ता है हो सकता है कि कंपनी जो है वो बाद में आपको वो अमाउंट जो है वो वापस कर दे पर इनिशियली वो पैसा जो है वो आपको देना पड़ता है सेकेंड चीज़ आ जाती है फ्लाइट फ्लाइट में भी ये है कि अगर आप एज ए जॉब के लिए जा रहे हो आपके पास एज ए जॉब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है इंडिया से तो फ्लाइट टिकट भी जो है वो जनरली कंपनी करती है पर फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि फ़्लाइट के टिकट्स भी आपको ही करने पड़ते हैं और कंपनी जो है वो बाद में उसे रीइम्बर्स करती है तो जो फ़्लाइट के टिकट्स होते हैं वो अगर आप मान लो न्यू दिल्ली टू जर्मनी में कोई भी मेजर सिटी आप आओ जैसे म्यूनिक फ्रैंकफर्ट हो गया बर्लिन हो गया या फिर मुंबई से यहाँ पर आओ तो उसका जो कॉस्ट होता है वो होता है ट्वेंटी थाउजेंड से फिफ्टी थाउजेंड वो डिपेंड करता है कि आप कितने पहले करा रहे हो अगर आप जल्दी कराते हो तो टिकट जो होता है वो सस्ता होता है और अगर आप लेट कराते हो तो टिकट जो है वो महंगा कराते हैं जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ जब मैं यहाँ पर आई थी तो जो तो मैंने टिकट है वो दो दिन पहले कराया था और मुझे टिकट मिल गया था अराउंड ट्वेंटी एट थाउजेंड में ऑफ कोर्स बीच में कुछ हॉल थे तो पहले मुंबई फिर पेरिस एंड देन फिर स्टुटगार्ड लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा था लेकिन टिकट जो था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल गया था लेकिन ये बहुत ही डिपेंड करता है केस टू केस कि आप किस टाइम पे करा रहे हो उस टाइम पे फ्लाइट्स में जो एयरलाइंस है उनके पास अवेलेबिलिटी है या नहीं तो ऑन एन एवरेज मैं बीस हजार से पचास हजार जो है वो टिकट्स का मान लेती हूँ एक टिप और मैं आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ कि अगर आप परमानेंटली यहाँ पर आ रहे हो और आपके पास बहुत सारा सामान है तो आप बिज़नेस क्लास भी टिकट बुक करा सकते हो उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपका बैगेज अलाउेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन सम केसेस अनलिमिटेड होता है तो आप कितना भी सामान जो है वो इंडिया से जर्मनी ला सकते हो तो ये एक जो होती है वो टिप हो सकती है पर मैं तो सिर्फ एक बैग और एक बैगेज मतलब एक चेक इन बैग और एक बैगेज लेके आई थी तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ और मेरे हस्बैंड के साथ भी सेम ही केस था तो उसको भी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ तो सेकेंड इज फ्लाइट टिकट जो ट्वेंटी थाउजेंड से फिफ्टी थाउजेंड थर्ड चीज़ आ जाती है वो है आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो कि इम्पॉर्टेंट होता है जब आप वहाँ से यहाँ पर आते हो और वो होता है कुछ 19 यूरो के लगभग और 19 डॉलर के लगभग तो लगभग लगभग आप मान लो 18 1800 से 2000 के लगभग जो होगा वो ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस वो भी कंपनी जो है वो आपको बाद में रीएमबर्स कर देती है और मोस्ट ऑफ द केसेज़ में अगर वो कंपनी जो है वो फ्लाइट टिकट बुक कर रही है तो वो उसके साथ ये भी जो है जो इंश्योरेंस है वो भी बुक करती है तो ये हो गया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है तो जो आपका एकोमोडेशन होता है वो आप मान लो एक सिंगल पर्सन के लिए फोर्टी थाउजेंड से एट्टी थाउजेंड मतलब आपको फोर फिफ्टी यूरो से फाइव फिफ्टी यूरो में जो है वो अच्छा सा अकोमोडेशन मिल जाएगा आ, अगर आप सिंगल एज ए आ रहे हो और मैं सिंगल के लिए ही ये बता रही हूँ तो बहुत सारे फेसबुक में ऐसे ग्रुप्स हैं तो आप एज ए वेगे भी ले सकते हो या दूसरी चीज़ मतलब वेगे होता है शेयर्ड अपार्टमेंट या दूसरी आप बहुत सारे आप ही जैसे लोग जो होते हो वो यहाँ पर होते हैं और एज एपार्टमेंट में रहते हैं आप फेसबुक के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप वहाँ पर एक महीने या दो महीने जितना भी टाइम है आप वहाँ जाके इनिशियली रह सकते हो शेयर्ड अपार्टमेंट में जो कॉस्ट हो होता है वो कम पड़ता है तो लगभग लगभग इतना ही होता है फोर फिफ्टी टू फाइव फिफ्टी यूरो के लगभग एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जब आप यहाँ पर आते हो कुछ कंपनीज के साथ जो होता है वो उनके ख़ुद के अपार्टमेंट्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए तो एक महीने के लिए वो एम्प्लॉयज़ के लिए एज ए फ्री स्टे भी देते हैं पर मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में ऐसी सुविधा जो है वो नहीं होती है तो इसलिए मैं जो ये कॉस्ट है वो आप अपने माइंड में बियर करके रखो एट द एंड आप कंपनी से बात कर सकते हो कि क्या उनके पास अवेलेबल है क्या नहीं अवेलेबल है द फोर्थ पॉइंट इज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है एक पूरे महीने का एक्सपेंसेस एक पूरे महीने का जो एक्सपेंसेस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन का 350 यूरो होता है पर मैंने एक हायर साइड के लिए 50,000 थाउजेंड जो है वो उसके लिए लगा रखा है उसमें आपको आ, क्या क्या हो जाएगा एक तो ग्रे ग्रॉसरी फूड ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड होंगी खाना पीना ये सारी चीज़ें एंड सेकेंड चीज़ें जो होगी जैसे आप आ, कहीं पर रह रहे हो और वहाँ से आपको अपने ऑफिस जाना है तो जैसे बस या ट्रेन का जो मंथली पास होता है वो एट्टी यूरो से वन ट्वेंटी होता है तो वो भी इंक्लूडेड है तो फिफ्टी थाउजेंड एज ए मंथ का जो है वो कॉस्ट जो है वो आ, मान के चलो कि आपका यहाँ पर खर्चा होगा सारे अदर कॉस्ट को हटाने के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने सोचा कि इंक्लूड कर लूँ वो है वीकेंड ट्रैवल अगर आप शुरू शुरू में मतलब इनिशियली यहाँ पर यूरोप में आए हो तो आपके मन में ज़रूर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होगी कि आप यूरोप ट्रैवल करो और वो यूरोप ट्रैवल आप वीकेंड पर ही कर सकते हो अगर आप यहाँ पर आकर इनिशियली जॉब स्टार्ट करते हो तो वो जो है वो अगर आप पर डे का खर्चा मान लो तो वो वन ट्वेंटी टू वन यूरो होता है तो वो फिफ्टी थाउजेंड भी आप मान के चल सकते हो कि वीकेंड पे आप खर्च कर लो अगर आप एक आध वीकेंड पे जाते हो या नहीं वो मैंने ओवरऑल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये टोटली totally डिपेंड करता है इंसान के बजट टू बजट पे अगर आपके पास बजट है तो ऑफ़कोर्स आप एक बार के आप चार बार जाओगे हर एक वीकेंड पे और नहीं है तो आप नहीं जाओगे फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हो सकता है कि एज ए सिंगल पर्सन आप जब आ रहे हो तो आप वो चीज़ जो है वो थोड़े टाइम बाद सोचो यहाँ पर कुछ मंथ रहने के बाद पर ये भी एक खर्चा होता है जो होता है अगर आप अपने खुद के फ्लैट में जो है वो शिफ्ट होना चाहते हो आप शेयर्ड अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहते हो तो उस केस में क्या होता है आपको वन मंथ का डिपॉजिट देना होता है और थ्री मंथ्स का जो है वो एडवांस देना होता है जो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा लमसम अमाउंट होता है और इसके

अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड आएगा वन ट्वेंटी नाइन टू थर्टी थाउजेंड रुपीज के लगभग इसमें जो मैंने फ्लाइट टिकट है वो थर्टी थाउजेंड एज एन एवरेज लिया हुआ है क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आप कब कर रहे हो और मैंने इसमें जो आपका वीकेंड ट्रिप है वो इंक्लूड नहीं किया है अब इसमें से आप एक चीज़ और मान लो कि हो सकता है कि आपकी कंपनी जो है वो फ़्लाइट टिकट जो है वो रीमबर्स करेगी या आपको कुछ रीलोकेशन अमाउंट देगी तो वो आप उस पर डिटेक्ट कर सकते हो तो ओवरऑल एज ए सिंगल पर्सन यहाँ आने का खर्चा है वन लैक थर्टी थाउजेंड रुपीज़ नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर आप एज ए स्पाउस यहां पर ज्वाइन कर रहे हो जैसे कि मैंने दीपक को यहां पर ज्वाइन किया था उसका कितना खर्चा है तो उसके लिए स्पाउस uh, के लिए एक तो कंपनी ज़्यादातर कंपनी जो है वो स्पॉन्सर्स नहीं करती है फ्लाइट टिकट और बाकी सारे uh, चीज़ें तो आपको ही करना पड़ता है पर ऑफ़ कोर्स एक बार जब आपका स्पाउस या आपके चिल्ड्रन यहाँ आ जाते हैं तो बाकी सारे इंश्योरेंस जो हैं वो कवर्ड होते हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया बाकी सारी चीज़ें लेकिन उससे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और उसका कितना कॉस्ट होता है वो मैं आपको बताती हूँ तो सबसे पहले स्पाउस की बात करते हैं फिर हम चिल्ड्रेन की बात करते हैं तो स्पाउस में वीजा कॉस्ट तो सेम ही रहेगा 8000 उतना ही होता है स्पाउस वीजा या फैमिली रियूनियन वीजा के लिए 8000 उसके बाद होता है फ्लाइट टिकट फ्लाइट टिकट का भी सेम ही है जो मैंने आपको बताया 20000 से 50000 आपको जो है वो एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा जो कि टेम्पररी इंश्योरेंस होगा वो भी 19 यूरो के लगभग 19 यूरो से 20 यूरो के लगभग आता है तो वो आपको लेना पड़ेगा और इसके अलावा आ, हो सकता है कभी कभी आपका मैरिज वेरिफिकेशन हो तो उसमें फोर्टी थाउजेंड से फिफ्टी थाउजेंड या ट्वेंटी फ़ाइव थाउजेंड से फिफ्टी थाउज़ेंड जो है वो आपको आ, देने पड़े तो ये सारा जो कॉस्ट होता है वो होता है स्पाउस के लिए मेरे केस में मुझे आ, कोई भी वेरिफिकेशन के लिए पैसा नहीं देना पड़ा तो उस केस में मेरा जो अमाउंट है कुछ थर्टी एट या थर्टी नाइन थाउजेंड के लगभग लगा आ, आने का यहाँ पर खर्चा आ, दूसरी बात ये होती है कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके स्पाउस पहले ही आ, देख लेते हैं जैसे घर का पूरा डिपॉजिट वो दे दिए होते हैं तो आपके पास एक जगह होती है रहने के लिए बाकी सारी चीज़ें भी जैसे खाने पीने का खर्चा वो एक पर्सन ऐड होने पे इतना ज्यादा इंक्लूड नहीं होता तो वो मैं सारी चीजें इंक्लूड नहीं कर रही हूं जस्ट आप जर्मनी तक पहुंचने का कितना कॉस्ट होगा वो अराउंड थर्टी नाइन थाउजेंड से फोर्टी थाउजेंड होगा इन केस आपका मैरिज वेरिफिकेशन हुआ तो आप ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से फिफ्टी थाउजेंड जो है वो और एडिशनल जो है वो लेके रखो दूसरा है अगर आपका चिल्ड्रन आप के साथ ज्वाइन करेगा तो उसका भी सेम है कि वीज़ा फ़ीस लगेगी वीज़ा फ़ीस जो होती है वो सेम ही रहती है और उसके बाद फ्लाइट टिकट जो है ऑफकोर्स आपके चिल्ड्रन के लिए भी अगर वो बहुत छोटा है छः महीने से कम है तो ही टिकट नहीं लगता उससे ऊपर जो है तो सेम टिकट लगता है तो आप सेम टिकट मान लो ट्वेंटी थाउजेंड से थर्टी थाउजेंड इंश्योरेंस जो है वो आपके चिल्ड्रन का भी आपको लेना पड़ेगा और यहाँ पर जब आप आओगे तो ऑफकोर्स आपके पास रेसिडेंट होगा क्योंकि आप फैमिली रियूनियन वीज़ा या स्पाउस वीज़ा पर यहाँ पर आ रहे हो तो तो चिल्ड्रन का भी वही उतना ही होगा थर्टी एट थाउजेंड से फोर्टी थाउजेंड के करीब तो ओवरऑल आप मानो कि जर्मनी में इतना ज्यादा खर्चा नहीं है तो ये था आपका खर्चा जर्मनी में आने का अगर आप एज ए सिंगल जॉब के लिए यहाँ पर आ रहे हो आप अपने स्पाउस को ज्वाइन कर रहे हो जर्मनी या आप आ, के पापा जो हैं वो जर्मनी में जॉब कर रहे हो और अगर आप उनको यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो इतना खर्चा होता है ये माइंड में रखो और ऑफ कोर्स आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी से बात कर सकते हो जैसे रीलोकेशन अमाउंट हुआ तो कभी कभी कंपनीज पूछते हैं कि यार रीलोकेशन अमाउंट कितना चाहिए तो अब आपको पता है कि आपका इतना पैसा जो है वो खर्च होने वाला है यहाँ आने के बाद तो आप उतना माइंड में रख सकते हो और आप उतने हिसाब से नगोशिएट कर सकते हो बट इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको एक करेक्ट फिगर मिले अगर आप यहाँ आने वाले हो या आना चाह रहे हो या आपको परफेक्ट फिगर नहीं पता कि कितना है तो सही मायने में तो ये बोला जाए कि अगर आप एज़ ए स्पाउस यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता किसी किसी केसेस में हाँ कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे क्योंकि उनका मैरिज वेरिफिकेशन में ही बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है पर मोस्ट ऑफ द केसेज जैसा मेरा हुआ मेरा यहाँ पर आने का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं लगा मेरा टिकट भी बहुत कम था तो मेरा थर्टी में मैं यहाँ पर आ गई और दीपक का जो है वो फ्लाइट टिकट इंश्योरेंस और बाकी सारी चीजें जो है वो कंपनी ने रिमबर्स कर दी थी पर ऑफ कोर्स इनिशियली उसके पास एक लाख या डेढ़ लाख रुपए होना था यहां पर आने के लिए प्लस आपको जो डिपॉजिट देना था तीन हजार यूरो के लगभग वो तो इतना जो है वो आपके पास आप मान लो पांच लाख से छह लाख जो है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए अगर आप जर्मनी में आ रहे हो और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करना हमारा व्लॉगिंग चैनल है वो देखना मत भूलना बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं हम जर्मनी के बारे में और आपको क्या पता करना है जर्मनी के बारे में वो जरूर 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 कमेंट करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक 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 क्योंकि 500 लाइक like का टारगेट है इस वीडियो के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय